हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने भाई के चैनल लिनक्स किंग्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले ओबीएस स्टूडियो के बारे में, जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के काम में आता है। उससे हम अपने यूट्यूब पे स्ट्रीम भी कर सकते हैं। तो मैं इसको बता दूं कि ये बिल्कुल फ्री में हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ओबीएस लिख के और यहाँ पे जो पहले आएगा ना, उस पर ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो एकदम इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैक ओएस, लिनक्स, विंडोज, ये बहुत से ओएस के लिए है, तो फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद में एक फाइल की जरूरत होती है, जिसका नाम है विजुअल सी प्लस प्लस रीडिस्ट्रीब्यूटेबल फाइल। तो ये हम फ्री डाउनलोड कर सकते हैं दोनों ही। तो डाउनलोड करने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखने वाला है कि मेरे पास नीचे ओपन भी है, तो हमें कुछ ऐसा देखने वाला है। लेकिन बहुत से लोगों को ब्लैक स्क्रीन का एरर देखने को मिलता है, जो कि आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे ब्लैक स्क्रीन के एरर को। तो इसको हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन पहले वाले मेथड पे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे माई कंप्यूटर में जाके राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे डिवाइस मैनेजर पे जाऊंगा। तो यहाँ पे हमें बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले एडेप्टर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो मेरा एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है ना, मैं इसको ऑफ कर दूंगा, जो कि बहुत ही बेकार मेथड है ये ओबीएस को चलाने का। तो मैं बोलूंगा कि आप ऐसा ना ही करें, क्योंकि जितने अपन ग्राफिक कार्ड पे पैसे लगाते हैं उससे कम में तो अपने को ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, तो ऐसा करना बेकार ही मानता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वर्क कर रहा है, पूरा स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा है। तो एक मेथड तो ये था, और मैं आपको दिखाता हूँ इसको बंद करते ही ये स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करेगा। जैसे मैं इसको इनेबल कर दूंगा ना, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना बंद कर देगा। तो मैं इसको रिस्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसको इनेबल करते ही यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो अब हम इसका एक परमानेंट सोल्यूशन है मेरे पास, जो कि बहुत ही अच्छा है, तो हम अब वो करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और फिर ओपन फाइल लोकेशन पे जाऊंगा और फिर यहाँ पे जो OBS 64EXE है इसकी प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा और फिर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और फिर यहाँ पे मैं विंडोज 7 सेलेक्ट कर लूंगा, ये दोनों पे टिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ओके, और अब हम सेटिंग में चलते हैं। तो हम सेटिंग्स में आ गए। यहाँ पे सेटिंग्स में आने के बाद में सिस्टम पे क्लिक करेंगे। सिस्टम पे आने के बाद में हम नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको, तो फिर हमें एक ग्राफिक सेटिंग्स दिखेगी। हम यहाँ पे जाएंगे और आपको यहाँ पे जाके ब्राउज करके अपना OBS का जो भी पाथ है वो डाल के इसको OBS की फाइल को सिलेक्ट कर लें। तो मैंने पहले से कर रखा है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ऑप्शंस में जाऊंगा और यहाँ पे पावर सेविंग पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो बस इतना ही करना था। और अब जाके चेक करते हैं अपने OBS को। तो यहाँ से मैं बंद करके फिर से ऑन करता हूँ इसको। तो आप देख सकते हैं हमारा OBS बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई एरर आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।